नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक बंगाली डेलिकेसी जिसका नाम है चीतल माछेर मुइठा। जैसा आप देख रहे हैं, पहले आप फिश को उसके स्किन से पूरा स्क्रेप कर लें। स्क्रेप करके आप उसको अलग साइड में कर लें। अब स्क्रेप करने के बाद उसमें से जितने भी बोन्स होंगे, फिश बोन्स होंगे, उसको आप निकाल लें। फिर उसको मैरिनेट करें। सबसे पहले जिंजर, गार्लिक और अनियन पेस्ट, नमक और गरम मसाले के साथ उसको अच्छे से मैरिनेट करें। फिर उसको थोड़ा सा पानी हाथ में लगा के फिर ऐसे उसको रोल कर लें। रोल करने के बाद सारे फिश बॉल्स या फिश रोल्स को आप एक साथ एक जगह पे रख लें। फिर उसको उबलते हुए पानी में डालें। फिर पानी में डालने के बाद वो ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आने का मतलब है कि वो आपका पक गया है। जैसे वो पक जाए उसको आप तुरंत एक प्लेट पे निकाल लें। उसको आप प्लेट में निकालें, निकाल के साइड में रखें। कुछ देर ठंडा होने के बाद जैसा वीडियो में दिखाया गया है वैसे उसको चाकू से उसको काट ले, रोल करके काट ले। काटने के बाद उसको हल्का सा आपको फ्राई कर लेना है। ज़्यादा फ्राई ना करें, ज़्यादा फ्राई करने से वो कड़क हो जाता है। हल्का सा उसको बस टॉस करें और फ्राई करें और निकाल लें। इसके बाद दोस्तों धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर पानी से एक आप पेस्ट बना लें। इसके बाद सरसों का तेल लें और उसमें लौंग, इलायची, दालचीनी और तेज पत्ते का तड़का लगाएं। थोड़े इसको चटकने दें। जैसे तड़का चटक जाए उसमें आप जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिली और अनियन का पेस्ट डालें। पेस्ट डाल के अच्छे से कुक करें। फिर वो जो मसाला पेस्ट आपने बनाया था, धनिया, जीरे और लाल मिर्च का, उसका आप पेस्ट फिर से ऑयल में डालें और उसको अच्छे से पकाएं। फिर आप इसमें डालें टोमेटो प्यूरी डाल के फिर इसको आपको अच्छे से पकाते रहना है जब तक टोमेटो का कच्चापन दूर ना हो जाए। ये आपको पता चलेगा जैसे आपका ऑयल मसाले के ऊपर आ जाएगा। फिर इसमें नमक डालें, फिर वो जो आपने फिश के चंक्स को फ्राई किया था उसको ऐड करें। ऐड करके उसको अच्छे से मिलाएं। मिलाने के बाद उसमें आप थोड़ा पानी डालें। पानी डाल के एक उबाल आने तक वेट करें। उबाल जैसे ही आ जाए उसमें आप गरम मसाला पाउडर और एक चम्मच देसी घी डाल दें। बस देसी घी डाल के आप उसको साइड करें। ये आपका चीतल माछ का मुइठा रेडी है। आगे और भी अमेजिंग रेसिपीज़ और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।